बलिया जिले में जो अभिभावकों और छात्रों को जो वाजिब हकों अख्तियार मिलने चाहिए, मात्र भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण नहीं दिया जा रहा था। बलिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनशन के स्थान पर स्वयं आके समस्त मांगों को लिखित रूप से स्वीकार किया है। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। हंस के अनशन की बढ़ती कार्रवाई देख प्रशासन ने लिया अनशन का संज्ञान। बीएससी ने भूख हड़ताल पर बैठे हंस को पिलाया जूस। बलिया के 1800 निजी विद्यालयों में अब होगा ऑफलाइन गरीब छात्रों के दाखिले। खबर भारत मीडिया के लिए बलिया से। उत्तर प्रदेश के बागे बलिया में अब शहर से लगायत ग्रामीण अंचल के गरीब अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का 100% लाभ मिलेगा। इसके लिए एक सप्ताह से चले क्रमिक अनशन पर बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता मनोज राय हंस व अभिभावकों की अंततः गतवा जीत हुई। आंदोलन का बढ़ते कारवा का व्यापक रूप देख बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। आंदोलनकारियों की सभी मांगे शर्त मान ली। इसकी जानकारी होने पर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ ठाकुर, पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने अनशनकारियों समेत प्रशासन को बधाई दी। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मनोज राय हंस जी के नेतृत्व में अधिकार सेना बलिया द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बलिया जिले में जो अभिभावकों और छात्रों को जो वाजिब हकों अख्तियार मिलने चाहिए थे और जो मात्र भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण नहीं दिया जा रहा था, उसके संबंध में चलाए गए क्रमिक अनशन में अधिकार सेना बलिया की मनोज राय हंस के नेतृत्व वाली टीम को भारी सफलता मिली है और बलिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनशन के स्थान पर स्वयं आके समस्त मांगों को लिखित रूप से स्वीकार किया है। यह अधिकार सेना के लिए एक बड़ी जीत है। मैं इस क्रम में मनोज राय हंस जी और अधिकार सेना बलिया की टीम के सभी साथी जिन्होंने इसमें सहभागिता की और जिनका इसमें साथ मिला, उन सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण जीत और सफलता अर्जित की। जय हिंद, जय हिंद। बलिया के शहीद चौक में पिछले 7 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन के समापन के मौके पर आरटीआई कार्यकर्ता मनोज राय हंस ने मीडिया को बताया कि अब बलिया जनपद के 1800 निजी विद्यालयों में ऑफलाइन आवेदन के आधार पर गरीब अभिभावकों के छात्रों का दाखिला होगा, जहाँ ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्वयं लिखित देने का काम किया है। इतना ही नहीं, वार्ड व ग्राम पंचायत का भेद भी अब खत्म हो जाएगा। जरूरतमंद छात्रों का दाखिला नजदीकी प्राइवेट विद्यालयों में होगा। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से निःशुल्क शिक्षा के तहत बकाया छात्रवृत्ति एवं निजी विद्यालयों की फीस प्रतिपूर्ति को भी बहुत जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया गया। इसके लिए बीएससी ने शासन को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि क्रमिक अनशन कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस एवं अभिभावकों की सभी मांगे मान ली गई है। ऑनलाइन आवेदन न होने की स्थिति में अभिभावकों से ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसे बीएससी कार्यालय में जमा कराना होगा, जिसे 1 हफ्ता के अंदर ऑनलाइन कराया जाएगा। बकाया छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति को बहुत जल्द भुगतान कराने की पहल की जाएगी। पिछले 4 सालों से निःशुल्क शिक्षा के तहत बकाया छात्रवृत्ति एवं निजी विद्यालयों की फीस प्रतिपूर्ति को बहुत जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया गया। इसके लिए शासन को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। क्रमिक अनशन पर बैठे अधिकार सेना के प्रदेश महासचिव रितेश पांडे आदि ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस नेक पहल के लिए धन्यवाद दिया और मनोज राय हंस की जीत को गले से लगाया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद के साथ शीतल निर्भीक की ब्यूरो रिपोर्ट।